Does music help in healing according to Ayurveda? अगर हम आपसे कहें कि अगर आप दिन भर आपका बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, आप थक गए हैं और आप सोना चाह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप एक काम करिए, आराम से लेटिए और राग मालकौन सुनिए, आपको बेहतर फील होगा। अगर आपको इंडिजेशन हो रही है तो आप कौन सा राग सुने? दीपक, राग दीपक सुने। तो आपको क्या लगेगा कि हम दो सहेलियां यहाँ बैठी और यूं ही गप्पे हाँक रही हैं? जी नहीं, आज बहुत अहम डिस्कशन है। द डिस्कशन इज डज म्यूजिक हेल्प इन हीलिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? Yes, it does. And इतने सारे वेदों में मेंशन है म्यूजिक का कि it heals, it helps set your mood, reduce your anger, fear. So music actually affects us on physical, psychological, social, emotional and behavioral patterns. प्लेटो ने भी कहा है कि stone is frozen music. आइंस्टाइन साहब भी कहते हैं कि everything in life is vibration. तो ये दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं जैसे हम। हाँ, नहीं, बुद्धिजीवी पे मैं इस पे आगे ऐड करना चाहूँगी कि दिस इज ऑल फिजिक्स। और मैंने पहले ही कहा है कि आयुर्वेद, जो कि अथर्ववेद का एक अंग है, इज अ फिजिकल साइंस। इट टॉक्स अबाउट एनर्जी, क्वालिटीज एंड हाउ दीज वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज हील यू अलॉन्ग विद मेडिसिन। आपने लोरी सुनी, आपको नींद आ जाती है, यू आर लिसनिंग टू अ वेरी हाई टेक म्यूजिक, यू आर एनर्जाइज्ड एंड यू वांट टू डांस। और अगर आपके दिल टूटा भी नहीं और आपने जगजीत सिंह की गजल सुन ली तो ऐसा लगता है कि आता है। हाँ। तो इतने सारे जो भाव लाता है म्यूजिक, दैट मीन्स इट एक्चुअली अफेक्ट्स अस ऑन मल्टीपल लेवल्स। या कम टू थिंक ऑफ इट, इफ एवरीथिंग अराउंड अस इन दिस यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशन, ओम इज अ वाइब्रेशन, म्यूजिक इज अ वाइब्रेशन, तो म्यूजिक किस तरह से हेल्प करता है? आयुर्वेद क्या कहता है? जो आयुर्वेद है वो बड़ा भौतिक शास्त्र है। इट इज अ फिजिकल साइंस मोर देन केमिस्ट्री। हम क्वालिटीज की बात करते हैं, हम एनर्जीज की बात करते हैं। हर चीज जो हमारे आसपास है इज एनर्जी का सोर्स और वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। अगर आप शांति से बैठे और सिर्फ अपना शरीर सुने तो आपका दिल धड़क रहा है, विच इज अ वाइब्रेशन। मैं सांसें ले रही हूँ, जिसकी अगर आप सुने तो उसकी भी आवाज़ है जी, वो भी एक शब्द है, सुनाई देता है। भूख लगी है तो एक वाइब्रेशन। तो मेरा एक एक कण क्रिएट्स म्यूजिक। ये जो पूरा ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अब ये आकाश जो है ये एक बड़ा सटल सा महाभूत है। अब जब मैं महा और भूत बोलती हूँ तो उसका मतलब समझा दूँ। महा इज लार्ज एंड भूत इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स। तो इन सब 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, मेरा शरीर बना है और मैं जो ये वाइब्रेशंस ग्रहण करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, इट इज थ्रू शब्द या आकाश महाभूत। ओके। और ये शब्द मेरे कानों से सुनाई देता है, पर ये शब्द आपको अग्नि में भी सुनाई देगा। ये शब्द मेरे पास तब पहुँचता है जब वायु आसपास की बराबर हो, और ये शब्द आपका जल का भी है और ये शब्द आपकी पृथ्वी के भी है। सबकी साउंड अलग है। कमिंग टू ऑल दीज थिंग्स, अब ये सारे 5 तत्व और म्यूजिक जो हमें हील करता है ऑन मल्टीपल लेवल्स, इमोशंस। मैं बार बार कहती हूँ कि आयुर्वेद में लार्जली 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वात, पित्त और कफ। जब मैं कहती हूँ कि म्यूजिक आपको मानसिक तौर पर ज़्यादा हील करता है, तो जो वात प्रधान व्यक्ति होते हैं ये इनका बैलेंस में रहे तो भी इनको पेन वगैरह ज़्यादा महसूस होता है, और जब इम्बैलेंस हो जाए तो देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फियर, और इसको कंट्रोल करने में म्यूज़िक मदद करता है। जो पित्त प्रधान लोग हैं वो बहुत अलर्ट है, एक्टिव है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायनामिज्म, पर जब पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो बड़ी गुस्सा है, एंगर है। Okay. और उसको सूद करता है ये म्यूज़िक। इनफैक्ट कई जगह चरक, जो हमारी संहिता है, आचार्य चरक कहते हैं कि जब आपका पित्त बहुत बड़ा हो तो आप अच्छा संगीत सुने, अच्छा गायन सुने, दोनों से ही पित्त पैसिफाई होगा। तो राग दीपक तो आपने कहा ही था शुरुआत में, पर इसके अलावा पित्त ठीक करने के ये उपाय हैं। कफ जब बैलेंस रहता है तो हमारी बॉन्डिंग है, शरीर अच्छा है, सुदृढ़ है। मानसिक तौर पर कफ ज़्यादा बढ़ गया तो मैं बहुत स्लगिश और लेज़ी हो जाती हूँ, और जब अच्छा म्यूज़िक विच इज़ विथ गुड टेम्पो अगर मैं वो सुनती हूँ तो ये जो कफ की स्लगिशनेस है, इट गोज अवे, सैडनेस गोज अवे एंड यू आर मोर हैप्पी एंड अलर्ट। तो ये तीन दोषों में इस तरह से म्यूजिक का हेल्प होता है। सी आयुर्वेदा सब एक बड़ी होलिस्टिक हीलिंग होती है साथ में, क्योंकि हम सिर्फ उस एक मर्ज की दवा नहीं होते हैं, हम पूरा जो एक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देख करके इलाज करते हैं। सो बड़ी जाहिर सी बात है कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड सो योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, एंड म्यूज़िक जो कि वाइब्रेशन है वो जब आप सुनते हैं तो वो आपका मन शांत करता है, तो ऑब्वियसली फिजिकली यू फील बेटर। सो इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड, सब मिला हुआ है। मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं तो शरीर में व्याधियाँ होंगी, शरीर डिस्टर्ब्ड है तो मानसिक व्याधियाँ होंगी। और अगर आपने म्यूज़िक सुना किसी भी तरीके का, जैसे आपकी व्याधि है वैसा म्यूज़िक आपको सुनना होता है, और अपने आप हम डिज़ायर करते हैं, हम वैसी म्यूज़िक सुनते हैं। अगर आपको कभी सुबह ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग डल, तो आप कोई अच्छा सा प्रफुल्लित म्यूज़िक सुनते हैं ना, समथिंग विच इज़ हैप्पी, बांसुरी हो गया, खिड़की के पास खड़े चिड़िया भी चहक देती तो बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त। Everything, every vibration and frequency actually is felt by every part, every cell of our body. अपना हर एक सेल महसूस करता है म्यूज़िक, and it helps to heal your body. अब जब आपने कहा कि क्या बोलते हैं, चिड़ियों की चहचहाट, it's music. There is also this part कि आप समंदर के पास खड़े हो गए या किसी नदी के पास खड़े हो गए, तो जो वेव्स की जो आवाज़ है नदी के, हाँ, वो कितना स्ट्रेस कम करने वाला होता है। हम जाते क्यों हैं वहाँ? वाई डू वी गो टू द सी? एंड नाउ देयर आर स्टडीज विच से कि पानी के पास जाने से, उसकी आवाज़ सुनने से यू फील रिलैक्स्ड, यू फील हैप्पी, इट्स कामिंग, इट इज़ ग्राउंडिंग। सो दैट इज़ वाई, यू नो, इन आवर कल्चर हम लोगों के साथ म्यूज़िक इस कदर जुड़ा है कि अब हमने उसको, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है हाँ ये तो है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने इतनी रिसर्च की है रागों पर कि वो राग, देयर आर सेट ऑफ नोट्स, तो जब वो नोट्स प्ले होते हैं वो सर्टन वाइब्रेशन से क्रिएट, अगर राग दीपक से दीपक जगा रहे तो ये हम लोगों को सुनने में लगता है अरे कहानियाँ होंगी, अरे बारिश करवा दी उन्होंने राग गा करके। तो बट देयर हैज़ टू बी सर्टन ट्रूथ कि एलिमेंट्स पे, इन साउंड्स पे इतनी वो मतलब रिसर्च हुई होगी उस समय कि ऐसा हुआ होगा। पर इसमें आई रिमेंबर यू मैंशनिंग कि बहुत से वो सही शुद्ध, क्या तुमने कहा था, श्रुति शुद्ध होनी चाहिए, और उसके श्रुति, हाँ हाँ, श्रुति शुद्धि मतलब जब आप सुनते हैं और वो शुद्ध सुने और स्वर है वो एकदम नीट हो, तो दैट इज ऑल्सो हीलिंग। सो मेलकर्ता, 72 मेलकर्ता राग है और ये सारे 72 इम्पॉर्टेंट नर्व्स को टच करते हैं। सो जब आप राग सुनते हैं तो आपके इतने नर्व्स और इतने चक्र, अगर आप देखते हो चक्र भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। वी आर, हम सब एनर्जी के पुंज में चक्र हैं, हाँ, तो वो भी म्यूजिक, उसके लिए भी काफी मंत्र है। म्यूजिक या संगीत का एक बड़ा सुंदर डेफिनेशन है संगीत रत्नाकर में कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम इति संगीतम उच्यते, मतलब जहाँ गीत है, वाद्य है और नृत्य है, इन तीनों का संगम ही संगीत है, ये म्यूजिक है। म्यूज़िक अकेला सिर्फ कोई एक म्यूज़िकल पीस बज रहा है वो नहीं, वहाँ पे गायन भी होना चाहिए, वहाँ पे नृत्य भी होना चाहिए। तो जब आप एंजॉय करते हैं, आप देखें कभी आप म्यूज़िक सुनते हैं, भजन भी सुने, धीरे धीरे ना शरीर उस लय को, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, आपके हाथ आपके पाँव थिरकने लगते हैं, यू आर नॉडिंग, यू आर मूविंग। इट कुड बी अ पल्सेटिंग म्यूजिक, इट कुड बी अ सूदिंग म्यूजिक, पर बॉडी उसको रिएक्ट करता है, विच इज सो ब्यूटिफुल ना, विच इज सो हीलिंग। यस, सो एक स्टडी हुआ है पेन पे ऑन ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स। सो दो ग्रुप में बांटे गए पेशेंट्स, एंड सर्जरी के बाद एक ग्रुप को म्यूजिक सुनाया गया और एक ग्रुप को नहीं सुनाया गया। द पीपल हु हर्ड म्यूजिक, जिनको म्यूजिक सुनाया गया उनकी पसंद का, उनका पेन रिडक्शन वॉज मच मोर सिग्निफिकेंट देन पीपल हु डिड नॉट हियर म्यूजिक। मेरे मन में एक फनी सी बात आई, वो ये कि जब आयुर्वेद बना था तब लोग बड़े आइडियलिक सिचुएशंस में थे ना, सब कुछ अच्छा, सुंदर, शुद्ध, शांत, किसी को कोई हरी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आजकल द मेन थिंग इज स्ट्रेस, बुजुर्ग से लेके छोटे से बच्चे तक आई एम स्ट्रेस्ड। आयुर्वेद स्ट्रेस के बारे में क्या कहता है? ऐसा कभी नहीं था कि स्ट्रेस नहीं था। जब मैंने कहा कि तीन तरह की प्रकृतियाँ होती हैं, तो उसमें जब इम्बैलेंस होगा तो वात प्रधान लोगों में स्ट्रेस बड़ा मजबूत होता है, बहुत होता है। तो वातज होंगे तो चित्त का उद्वेगी स्ट्रेस, और वो बीमारी हमेशा से मानी गई है। तो ऐसे कोई बड़े रिलैक्स वो नहीं रहा करते थे, सबको प्रॉब्लम थी, तभी इतनी सारी औषधियां हैं, इतने मंत्र हैं और इतना संगीत है। तो स्ट्रेस इज समथिंग जो शरीर में एक हार्मोन बढ़ाता है जो कि है कॉर्टिसोल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल बढ़ते ही शरीर में हल्का सा इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन में हल्का सूजन तैयार होती है। एंड दिस इन्फ्लेमेशन अगर ये लगातार बढ़ता रहा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, अगर ये इकट्ठा हुआ तो आपका पूरा सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम पे असर होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, औरतें हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा। स्ट्रेस से हेयर फॉल हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है। मेन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब मुसीबत की सारी जड़ स्ट्रेस है बेसिकली। स्ट्रेस है तो उसने आपके हर ऑर्गन पे कब्जा कर लेना है। म्यूजिक कैन हेल्प इन दिस। सो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं और आपके मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं तो इट स्लोली रिड्यूसेस कॉर्टिसोल लेवल्स। तो शाम के समय आप घर आ रहे हो, खाना बना रहे हो, म्यूजिक अपने पसंद का जरूर सुनिए, दैट विल हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। हाउ मच टाइम? कम से कम आधा घंटा, बिकॉज बॉडी हैज टू लिसन, अडेप्ट एंड हील। तो कहते हैं कि शाम के वक्त अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आपको अपने आप को शांत करना है तो राग केदार सुनिए। वैसे तो स्ट्रेस के लिए कहते हैं कि अहिर भैरव भी सुनना चाहिए जो कि सुबह का राग है। तो यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? सो अब मैं जब इतनी कॉर्टिसोल की बात करी है, कॉर्टिसोल इज एन अलर्टनेस हार्मोन, वो आपको अलर्ट रखता है। तो रात भर सो के ना सुबह वो जो आप उठते हैं इट इज़ विद अ पेप एंड दैट इज़ अच्छा कॉर्टिसोल। थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए लाइफ में, शाम तक वो स्ट्रेस आपको थका देता है। तो अगर वो मॉर्निंग राग है, इट इज़ जस्ट टू, इफ़ यू आर टू एक्टिव इन द मॉर्निंग देन अहिर भैरव आप सुबह भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉर्टिसोल अभी 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 प्रोड्यूस होता है, कॉर्टिसोल सुबह का भी है, दोपहर का भी है, शाम का भी है। जब आपको लगे वो आपको हेल्प करता है और किस वक्त आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है। सुबह तो वो जरूरी है, आपको सुबह उठना है विद अ म्यूजिक इन द ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे भी स्ट्रेस हो जाए कि भैया इस प्रहर पे कौन सा राग सुने, उस पर अगर आपको नहीं पता तो इसका एक सिंपल आंसर है, जो आपके मन को सुन के अच्छा लगता है वो आप सुनिए। आपको रागों का ज्ञान हो नहीं हो, अगर आसपास कोई है तो जरूर पूछ के करिए, बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प, बिकॉज दे आर साउंड वाइब्रेशंस, दे विल हेल्प। अदरवाइज योर बॉडी नोज, जस्ट लिसन टू द राइट म्यूजिक एंड यू विल फील गुड एंड यू विल फील हैप्पी, एंड दैट्स द की।